हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 मार्च के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए या फिर इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि COVID-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसमें फिलीपींस पहला देश जिसने COVID-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजारों को बंद कर दिया है। हालांकि इसने 17 तारीख को बंद करने के बाद 19 तारीख को खोल दिया, क्योंकि इस समय जो व्यवस्था चल रही है इस टाइम पे वित्तीय बाजार जैसे बैंक हो गया, ATM हो गया, ये सारी सुविधाएं बंद करना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। तो यहाँ पे केरल ने घोषणा किया है, जिसमें इन्होंने राशन देने की भी बात की है बिना कोई भेदभाव किए हुए कि जिनका BPL कार्ड है, इन सब कार्ड को भी पीछे छोड़ते हुए इन्होंने घोषणा किया है कि ये सबको राशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें चावल प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अगला हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आपदा प्रबंधन केंद्र ने COVID-19 महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए वेबसाइट शुरू किया है। तो यहाँ पे SARC ने वेबसाइट शुरू किया है। किसने? SARC ने। ठीक, उसके बाद है हमारा कि SpaceX पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के लिए कब रॉकेट लॉन्च करेगी। तो मई 2020 में SpaceX रॉकेट को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसके अलावा 21 मार्च को ही मनाया जाता है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कब तक पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय रेलवे के इतिहास में कि ट्रेन को बंद रखने का फैसला किया गया है, तो 31 मार्च तक ट्रेन को बंद रखने का फैसला किया गया है। अगला हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की घोषणा किया गया है। तो 23 राज्यों में, लेकिन अभी जो आज कल रात में 8 बजे मोदी जी ने संबोधन किया उसमें कहा गया कि ऑल ओवर इंडिया को लॉकडाउन किया जाएगा आने वाले 21 दिनों के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। और अगर हम लोग विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक, आप सभी लोग जानते हैं कि COVID-19 का जो असर है वो हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक भी इससे छूता हुआ नजर आ रहा है। कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य होगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है 24 जुलाई में अभी काफ़ी दिन है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस डेट पे हो पाए। ठीक, अच्छा अगला क्या है, ये तो हमारा सही है कि COVID-19 के खतरे के कारण कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो सही बात है, यहाँ पे इन दोनों ने इनकार कर दिया है खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य डिक पाउंड हैं, उन्होंने कहा कि ओलंपिक को 2021 के लिए टाल दिया जाएगा, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो तीसरे वाले में थोड़ा सा डाउट है, हालांकि चीज़ें ये सही हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ओलंपिक को 2021 के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग COVID-19 की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे करीब 3 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित है। इसके कारण हर जितने भी हमारे सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज इससे प्रभावित हुई हैं, और खेल जगत में भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और इससे क्या होगा, ओलंपिक को पोस्टपोन किया जाएगा। बाकी आपको पता है कि ग्रीस से शुरू होकर के मसाल टोक्यो तक पहुंच गई है। इसके अलावा आपको पता है कि पहली बार ओलंपिक कहाँ खेला गया था, ग्रीस की कैपिटल एथेंस से।
ओलंपिक पर्वत पे खेले जाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? ओलंपिक। और अगले ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2024 पेरिस में अगले ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, और 2028 के में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलस में। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया के सबसे साफ BS6 पेट्रोल डीजल की भारत में सप्लाई करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका नाम है IOC, ठीक है। IOL है कंपनी जो कि BS6 में सबसे साफ डीजल प्रोवाइड करेगी, और उसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होगी जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कम खतरनाक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मैंने आपको बताया था कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, जो कि करीब एक साल कुछ महीनों अपने पद पर रहे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफा देने के कारण उनकी सरकार गिर गई, और चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ये आप इमेज देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की, और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और ये किस पार्टी को के हैं? तो ये BJP भारतीय जनता पार्टी के हैं, और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब बात आती है कि बाकी की तीन बार कब कब ये बने थे? तो 29 नवंबर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, इसके बाद 2013 में तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और इसी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा भी मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री, तो अब आपको पता ही है, और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं लालजी टंडन। आपको पता है कि कमलनाथ ने जब अपना इस्तीफा दिया था तो वो किसको दिया था? लालजी टंडन को ही अपना इस्तीफा दिया था। अगला हमारा कि बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री WHO के साथ मिलकर COVID-19 के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगी? तो इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, प्रियंका चोपड़ा COVID-19 के बारे में जागरूकता चलाएंगी, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है WHO के? तो ट्रेडोस एडन होनम। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? पहला हमारा बछेंद्री पाल, हालांकि ये भी एक पर्वतारोही है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही हैं, लेकिन इनको नहीं शामिल किया गया। दूसरा कौन है? प्रेमलता अग्रवाल, इनको भी नहीं। अरुणिमा सिन्हा, आपने सुना होगा कि ये दिव्यांग हैं, एक रेल दुर्घटना में इन्होंने अपने पैर खो दिए, उसके बाद भी इन्होंने कई चोटियों की चढ़ाई किया है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा जब हमारे तीनों नहीं हैं? तो चौथा है हमारा सत्यरूप सिद्धांत, इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर यहाँ पे तिरंगा फहरा, और इस वजह से 7 महाद्वीपों में सबसे ऊँची ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। ज्वालामुखी पर इन्होंने चढ़ाई किया है, जैसे माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? ये अफ्रीका का ज्वालामुखी है, आप सभी जानते हैं सबके बारे में। इसके बाद है माउंट एल्ब्रुस यूरोप, इसके बाद है माउंट पीको डी ओरिजाबा, ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट गिलवे, अंटार्कटिका में है माउंट सिडली, दक्षिण अमेरिका में है माउंट ओजोस डेल सलाडो, इसके अलावा एशिया में क्या है? माउंट दमावंद। तो ये हैं 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी जिस पर चढ़ाई करने के लिए इनका नाम कहाँ पे आया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन इस बार इन्हें मतलब इनको इनरोल किया गया है इसमें। अगला हमारा कि कोरोना के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल का सुझाव किस संस्थान ने दिया है? तो इसका सुझाव दिया है ICMR ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सिंस 1911, ठीक। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इन्होंने इन दवाओं के उपयोग की बात किया है कि कोरोना संक्रमण मामलों के संदिग्ध या पुष्ट रोगियों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों और इन मरीजों के संपर्क में आने वालों के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाए। अगर हम लोग बात करें कि इस समय इस दवा का इस्तेमाल किस रोग में होता है, तो मलेरिया रोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दवाओं को मंजूरी दिया है। हालांकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये दोनों दवाएं काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। कौन कौन सी? हाइड्रोक्विज क्लोरोक्वीन और दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन। ये 2 ऐसी दवाई हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की बात करें, तो दक्षिण कोरिया 10 मिनट में कोरोना की पहचान करने वाला किट दुनिया भर में पहुँचाने जा रहा है, जिससे क्या होगा, 10 मिनट के अंदर कोरोना की पहचान की जा सकती है। ठीक, चलिए अगला हमारा कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस बार विश्व खुशहाली सूचकांक में 4 पायदान नीचे फिसल गया, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी जो रैंकिंग थी वो 144वें स्थान पे थी। वहीं अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें, तो पाकिस्तान 66वें नंबर पे, चीन 94वें नंबर पे, बांग्लादेश 107वें नंबर पे, नेपाल 92 और मालदीव 87वें स्थान पे है। अच्छा, ये जो सूचकांक होता है इसके लिए कुछ बेस पॉइंट भी बनाए जाते हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे देश के प्रति व्यक्ति की GDP, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के जवाब के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। अब आपको पता होगा कि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और उसी टाइम यह रिपोर्ट भी जारी की गई थी जिसमें बताया गया कि टॉप 3 खुशहाल देश कौन कौन से हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह राज्य जहां स्थित दीपोर बील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो यहाँ पे दीपोर बील ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है असम में, और यहीं पे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है दीपोर बील को, किसके द्वारा, NGT के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुवाहाटी के पश्चिमी किनारे पर एक प्रमुख आर्द्र भूमि के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या फिर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ दीपोर बील एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक रामसर साइट है, जिसके निकट एक आरक्षित वन भी है। असम की बात आई है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि असम में काजीरंगा अभयारण्य पाया जाता है, जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग, जिसे हम लोग TB या फिर ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कब, तो 24 मार्च को इसको आयोजित किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम है इट्स टाइम, याद रखिएगा इसको, इट्स टाइम टू एंड TB इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस की वैश्विक मारामारी और रोग को ख़त्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का जो है मुख्य उद्देश्य है। 24 मार्च 1882 को जर्मनी के सूक्ष्म जीव विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट कोक द्वारा माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बलिसस की खोज की गई थी। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि WHO ने चिन्हित 7 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से ये एक है, जिसमें TB को भी खत्म करना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आपको पता है कि आप इस समय कहीं भी ऑफलाइन कोई भी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर आपके लिए एफर्ट करके क्लासेस बनाई जा रही हैं, क्योंकि इस समय कोई भी टीम मेंबर है नहीं, जो भी मेहनत किया जा रहा है सेल्फ किया जा रहा है, तो आप भी इसको अप्रिशिएट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप घर बैठे हैं तो आप अपनी स्टडी को कम्प्लीट करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।